नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपको मैथ्स में दो पार्ट्स हो गए मैथ्स के, मैथ्स वन मैथ्स टू। तो जो मैथ्स वन है विच इज अलजेब्रा एंड द मैथ्स टू इज ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री है क्या, तो आपने ज्योग्राफी पढ़ा रहेगा, तो ज्योग्राफी कैसा था, दैट इज जॉग और ग्राफी दो पार्ट्स में था, राइट ना। ज्योग्राफी यानी क्या, जियो है ना, और फिर ग्राफी था। तो जियो क्या होता है, विच मीन्स द अर्थ, अर्थ, और ग्राफिक मीन्स बोलो या ग्राफी बोलो, दैट इज अ ग्राफिक मैपिंग, यानी मैपिंग बोल सकते हो। इसलिए आपको ज्योग्राफी में हर चीज का मैपिंग के बारे में बात करेंगे, ऑल ओवर द अर्थ, अर्थ के जितने भी मैपिंग है ना, ग्राफ उसके रिलेटेड बात करते हैं। अब वैसे ही आ जाते हैं ज्योमेट्री पे, तो ज्योमेट्री क्या रहता है, दैट इज जियो प्लस मेट्री। तो जियो मीन्स क्या रहेगा, अर्थ, मेट्री मीन्स क्या रहेगा, मेजरमेंट, अर्थ मेजरमेंट। तो अर्थ मेजरमेंट, अर्थ पे यानी जितने भी आपके पास है ना, जितने भी शेप के इंस्ट्रूमेंट है उसके एरिया बोलो, लेंथ बोलो, वॉट एवर डैट इज, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें मालूम कर सकते हैं, डैट इज मीन बाय ज्योमेट्री। ये तो हो गया ज्योमेट्री में। अब सबसे पहले इसमें आ जाएंगे लाइंस पे, तो आप लोगों ने लाइंस के बारे में पढ़ा रहेगा, वॉट इज मीन बाय लाइन, लाइन का एंडिंग पॉइंट होता है क्या कुछ, नहीं, देर इज नो एंडिंग पॉइंट ऑन द लाइन। यानी क्या हो जाएगा, अगर मैं ड्रॉ कर दिया एक लाइन, राइट, तो ये क्या रहेगा हमारा, ये हो गया ओरिजिन पॉइंट, ये इसको बोलेंगे हम लोग जीरो, है ना। जीरो के देख सकते हो मेरा जो लेफ्ट है, राइट ना, राइट, और ये राइट हो गया, तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, डैट इज अ ओरिजिन पॉइंट हेड। तो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव और राइट साइड में क्या रहता है, नेगेटिव। तो तुम्हारे वैसे देखोगे तो देखो तुम्हारे साइड से कौन सा दिखेगा, राइट साइड दिखेगा, राइट साइड इज पॉजिटिव, 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यूअसली नंबर चलते रहेंगे, राइट ना। नेक्स्ट वन इज -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन सो ऑन, राइट ना। तो ये कंटिन्यूअसली एंडिंग पॉइंट नहीं रहेगा, इसका एंडिंग पॉइंट रहेगा क्या, तो हम लोग एंडिंग पॉइंट नहीं रहता है तो इसको किससे बनाते हैं हम लोग, एरो से, राइट, एरो से। वैसे अगर हम लोग देखेंगे सेगमेंट, तो सेगमेंट का क्या रहेगा, एंडिंग पॉइंट रहता है, एंडिंग पॉइंट रहता है, यानी क्या बोल सकता हूं मैं, जैसे लाइक ये ले लिया मैंने 4 सेंटीमीटर का आपने स्केल ड्रॉ कर दिया, यानी ये क्या है, फिक्स मेजरमेंट है ना, मेजरमेंट क्या है इसका, फिक्स है कि 4 सेंटीमीटर ही है, 4 सेंटीमीटर से बड़ा रहेगा क्या, नहीं। तो अगर टीचर ने बोल दिया कि 4 सेंटीमीटर का आपको सेगमेंट बनाना है, तो आप क्या करते हो, स्केल लेते हो और जीरो से स्टार्ट करते हो और अप टू 4 तक का लेके जाते हो, राइट ना, डेट इज अ फिक्स, है ना, फिक्स पॉइंट हो गया 0 से 4, तो ये फिक्स रहेगा, डेट इज नोन एज सेगमेंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, एंगल्स भी बोल सकते हैं या प्लेन, प्लेन बोलो, चलो प्लेन पढ़ लेते हैं, एंगल्स ये सब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लाइन पढ़ लिया हमने, सेगमेंट पढ़ लिया, अब आ जाते प्लेन। प्लेन किसको बोला जाता है, प्लेन किसको बोलता है हम लोग, कोई भी ज्योमेट्रिकल जो शेप है, तो अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में कौन कौन से शेप पढ़े रहेंगे, राइट, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, राइट ना, फिर रोम्बस, काइट, फिर सर्कल, दे ऑल आर द पार्ट्स ऑफ व्हाट, प्लेन, जिसका ज्योमेट्रिकल शेप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग प्लेन। प्लेन जनरली हम लोगों को दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो स्कूल टाइम में आपको फर्स्ट टाइप पढ़ना रहता है बचपन से ही, दैट इज अ सिमेट्री, एक होता है सिमेट्री है ना प्लेन, और एक होता है अनसिमेट्री प्लेन, है ना। हमारा जो शेप है बॉडी का ये अनसिमेट्री है, सिमेट्रिकल नहीं होता है ना। तो जनरली जो आप लोगों ने रॉक देखा रहेगा, पत्थर, ये सब है ना, वो क्या होता है, कौन सा अनसिमेट्रिक बॉडी होता है, और सिमेट्रिक किसको बोलेंगे हम लोग, सिमेट्रिक यानी क्या, समझ लो, मान लो ये ले लिया हमने एक ज्योमेट्रिकल शेप,
तो इसको क्या बोल सकता हूं मैं, सिमेट्रिक। आप यहां से ब्रेक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सेम पार्ट्स हो रहा है, राइट ना, तो सेम पार्ट्स हो रहा है, दैट इज नोन एज सिमेट्रिक, है ना। तो ऐसे प्लेन्स क्या रहेंगे, ज्योमेट्रिकल के, है ना, प्लेन्स रहेंगे। यस, लिख लो इसमें जो भी लिखना है आपको, छोटे मोटे पार्ट्स, राइट ना। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिटवीननेस। तो बिटवीननेस होता क्या है, कोई भी टर्म्स अगर एक दूसरे के बिटवीन में मिलने लगे, जैसे लाइक अगर मैंने एग्जांपल ले लिया, जैसे एक मेरे पास एक लेंथ है, राइट ना, ये लेंथ क्या है, ए बी, तो सी कहीं भी है, जरूरी नहीं कि मिडल में ही रहेगा, कहीं भी हो सकता है, राइट ना। सी क्या है इसके, यानी मैं क्या बोल सकता हूं, पोजिशन ऑफ सी क्या है, बिटवीन ए एंड बी, पोजिशन ऑफ सी क्या है, बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बिटवीन में है, तो बिटवीननेस प्रॉपर्टीज वही बताती है। अगर मान लो ए टू सी का डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट, है ना, जनरली कुछ भी नहीं रहता है तो हम लोग यूनिट बोलते हैं, राइट ना, सेंटीमीटर या मीटर नहीं है तो जनरली 2 यूनिट हो गया, और ये दिया हुआ है तुम्हारे पास 3 यूनिट, है ना, एक का वैल्यूज क्या है, 2 यूनिट है, एक का वैल्यू 3 यूनिट्स है। वॉट इज द डिस्टेंस ऑफ ए बी, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या होगा, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या होगा, दोनों का प्लस कर सकता हूं मैं, डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ क्या रहेगा, सी बी, समझा। तो इसको इंडिकेट कैसे करते हैं हम लोग, तो रीजन में इंडिकेट करते ए डैश सी डैश बी, राइट ना, क्योंकि ज्योमेट्री में ज्यादातर हम लोगों को मैथ्स में क्या करना पड़ता है, रीजन देना पड़ता है कि भाई तुमने ये जो किया है वो कैसे किया है, तो डेट इज अ बिटवीननेस प्रॉपर्टीज। तो बिटवीननेस प्रॉपर्टी को ऐसे सिंबॉलिकली हम लोग इंडिकेट करते हैं कि ए डैश सी डैश और क्या आ जाएगा, बी। बड़ा ही आसान रहता है, ए टू सी का डिस्टेंस कितना है, 2 है हमारे पास, प्लस सी टू बी का डिस्टेंस कितना है, 3, तो ये कितना आ जाएगा, 5 यूनिट।
1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, स्केल ऑलरेडी गिवन है आपको, राइट ना, उसमें नंबर्स गिवन है, देखो राइट साइड पे आप देख रहे होंगे ए बी सी डी, ये हो गया एक, है ना, नंबर्स के पोजीशन, ए का पोजीशन 1 है, बी का 2 है, सी का डी, है ना, सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 एंड ई का 5, एंड वैसे ही सेम एज इट इज लेफ्ट साइड भी आपको दिया हुआ है, सम पोजीशंस दिया हुआ है। सबसे पहले बोल रहा है आपको डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड आउट करने, तो डिस्टेंस क्या रहता है, ग्रेटर नंबर, राइट ना, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। तो बी और ई की बात करेंगे, तो बी और ई में बी वाला पोजीशन और ई वाला पोजीशन, तो इसमें बट ऑब्वियस ई का पोजीशन 5 है, बी का पोजीशन क्या है 2 है, तो कौन सा ग्रेटर हो गया 5, तो सिंस बोल सकता हूं 5 इज ग्रेटर देन 2, तो ये क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना, बहुत आसानी से मिल गया। वैसे ही सेम इसमें भी वही फॉर्मूला क्या रहेगा, कौन सा फॉर्मूला, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, ठीक है। पी और सी का पोजीशन देख लेते, पी का पोजीशन क्या है -4, राइट, -4 हो गया, और सी का पोजीशन क्या हो गया 3 हो गया, कौन सा ग्रेटर है हमारे पास 3 ग्रेटर है, तो 3 इज ग्रेटर देन, है ना, 3 इज ग्रेटर देन कितना बोल रहा है -4, तो ग्रेटर नंबर 3 माइनस माइनस 4, जब भी माइनस साइन आएगा ब्रैकेट पुट अप कर दो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 4, और 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7 ना, माइनस साइन तो आएगा ही नहीं, बिकॉज क्योंकि माइनस माइनस पहले से ही आपको एलिमिनेट हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया है ना, तो प्लस 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 ही आंसर आता है। वैसे के और ओ में K का पोजीशन कितना है हमारे पास -3 है, और O का, O यानी कितना 0 ना, है ना, तो कौन सा ग्रेटर है, K ग्रेटर है कि 0 ग्रेटर है, तो K ग्रेटर है, K ग्रेटर है नहीं 0 ग्रेटर रहेगा, क्योंकि K क्या है माइनस है, तो माइनस ग्रेटर नहीं स्मॉलर रहेगा, तो 0 ग्रेटर देन -3, तो ये भी सेम ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, है ना, ग्रेटर नंबर आ गया हमारे पास 0 माइनस स्मॉलर नंबर -3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। इसमें भी सेम वही फंडा यूज करेंगे, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, राइट। अब सबसे पहले देख लेते ग्रेटर नंबर कौन सा है इसमें, स्मॉलर कौन सा है, तो पी का वैल्यू क्या है, पी का कोऑर्डिनेट -4 है, जे का वैल्यू -2 है, तो व्हाट ऑब्वियस -2 इज ग्रेटर देन -4, है ना, तो ये क्या आ जाएगा -2 माइनस ऑफ -4, तो ये आ जाएगा आपके पास -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4, तो ग्रेटर का साइन अब क्या रहेगा प्लस हो गया ना, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा प्लस टू होगा ना, क्योंकि ग्रेटर का साइन क्या है प्लस, यस वैसे पॉज कर, चलो देख लेते क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। ए का पोजीशन दिया हुआ है एक्स, बी का पोजीशन दिया हुआ है वाई, एक्स और वाई दो पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है ना, और डिस्टेंस ऑफ ए बी पूछ रहा है, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी बोल रहा है, तो हर बार एक्स और वाई की वैल्यूज क्या करेगा अलग अलग दे देगा, है ना, एक्स की वैल्यू अलग दे देगा, वाई की वैल्यू अलग दे देगा, तो फॉर्मूला तो जनरली हमको वही मालूम है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, तो ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, जब ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर बोल रहा है, तो इधर कौन सा ग्रेटर है, देखो एक्स का पोजिशन 1 है और वाई का 7, तो 7 सिंस 7 इज ग्रेटर देन 1, तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6, राइट। वैसे ही सेम ये इधर भी ऐसे ही सेम करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी फॉर्मूला सेम एज इट इज, क्या रखेंगे हम लोग, ग्रेटर नंबर माइनस
स्मॉलर नंबर, राइट। तो इधर हमारे पास पोजीशन एक्स का क्या है, माइनस थ्री है, और वाई का क्या है, सेवन है। तो सिंस क्या रहेगा, सेवन इज ग्रेटर देन माइनस थ्री, है ना, बड़ा है ना भाई, सेवन जो है माइनस थ्री से बड़ा है, यानी ग्रेटर हो गया। जब ग्रेटर नंबर है तो ये क्या आ जाएगा, सेवन माइनस, और ये आ जाएगा माइनस साइन है, तो माइनस क्या करूंगा मैं, ब्रैकेट में रख दूंगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, सेवन प्लस थ्री हो गया, और ये कितना आ जाएगा, टेन, ठीक है, टेन हो जाएगा, ये टेन हो गया। सेम यही तरीके से सेम एक और क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ ए बी, इसमें भी क्या लिखूंगा मैं, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर। तो ग्रेटर कौन सा है इसमें से, देखो माइनस थ्री और माइनस सिक्स है, तो माइनस में जितनी वैल्यूज बड़ी होती है वो छोटी होती जाएगी, हाँ, तो माइनस सिक्स बड़ा नहीं रहेगा इसमें, कौन सा बड़ा रहेगा, माइनस थ्री। तो सिंस माइनस थ्री ग्रेटर देन माइनस सिक्स, है ना, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, माइनस थ्री माइनस ऑफ माइनस सिक्स, तो माइनस थ्री माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये आ गया सिक्स प्लस सिक्स, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ग्रेटर साइन कौन सा है, प्लस है ना, तो साइन प्लस का ही आएगा, सिक्स माइनस थ्री कितना हो जाएगा आंसर, थ्री, यस, अवश्य। देख लो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा पॉइंट्स बिटवीन में है ये बताना है। तो बिटवीन में है या नहीं कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले देखेंगे पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, कोलिनियर यानी क्या, एक ही लाइन में है कि नहीं, है ना, वो चेक करना पड़ेगा। तो इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे ग्रेटर रहेगा उसको स्किप कर दो आप, तो सबसे ग्रेटर कौन सा है, टेन, तो इसको स्किप कर दो हम लोग, है ना, तो रिमेनिंग कौन से बचे, ये वाले दो, दो स्मॉलर, तो डिस्टेंस ऑफ क्या ले सकता हूं, डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर कितना हो जाएगा, पी आर कितना है, सेवन, क्यू आर कितना है, थ्री, तो ये कितना हो जाएगा, टेन, और ये किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल हो गया ना, देखो ये भी टेन मिल गया, ये भी टेन मिल गया, तो ये टेन की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू लिख सकता हूं मैं, है ना, बराबर ना, तो ये दोनों का प्लस करने पे हमको क्या मिला, ये मिला, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इक्वल मिल गया किसके, डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर के, ये इक्वल मिल गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास, कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन हो गई, इक्वल मिल गया ना, है ना, इक्वल मिल गया, देयरफॉर पॉइंट्स लिख सकता हूं मैं, पॉइंट्स पी क्यू और पी आर लिखो, पी आर क्यू आर कोलिनियर, कोलिनियर यानी क्या, एक ही लाइन में होंगे, है ना, सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में होंगे, तो कौन कौन सा बिटवीन में होगा, कौन सा बिटवीन और किसके होगा, तो इसमें देखो आर कॉमन दिख रहा है आपको, है ना, आर देखो कॉमन दिख रहा है आपको, आर कॉमन हो गया, तो डायग्रामेटिकली देखोगे तो ऐसा कुछ होगा, ये हो गया P, ये हो गया Q, है ना, PQ और R कई टर्म्स है इधर, राइट, तो इसको लिख सकते हो R lies between P and Q, ठीक है ना, यस। चलो देख लेते सेकेंड क्वेश्चन, डिस्टेंस आर एस दिया हुआ है हमारे पास 8, डिस्टेंस एस टी कितना है 6, डिस्टेंस आर टी कितना है 4, इसमें अब ग्रेटर कौन सा है हमारे पास, 8 हो गया यानी आर एस, तो जो दो स्मॉलर है उसको क्या करूंगा मैं, ऐड कर दूंगा, तो यानी क्या कर सकता हूं मैं, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा, एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी, तो ये ऐड कर लो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4, तो ये क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, इक्वल आ रहा है क्या, इधर क्या है हमारे पास 10 आया है, इधर क्या है, इस ग्रेटर नंबर 8 है, तो नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ आर एस, है ना, डिस्टेंस ऑफ आर एस के इक्वल नहीं है, नहीं है तो लिख सकते हो डिस्टेंस ऑफ
आर एस नॉट इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी, बराबर ना। ये हमको आंसर मिल गया कि इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं रहता। इक्वल रहता तो क्या रहता था, पॉइंट्स आर कोलिनियर। लेकिन इक्वल मिला क्या, बराबर मिला क्या, नहीं मिला। जब नहीं मिला तो पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, याद रखना। तो देयरफॉर पॉइंट्स क्या लिखू हमें, आर एस टी आर नॉन कोलिनियर, क्या रहेगा, नॉन, है ना। जब कोलिनियर रहता था तो हम लोग को बताना पड़ता था कौन सा पॉइंट किसके बिटवीन में है, लेकिन कोलिनियर है ही नहीं तो आगे बताओगे क्या आप, आगे करोगे क्या, नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये बिटवीन में आ ही नहीं रहा है। जब बिटवीन में नहीं आ रहा है तो आपको एक्सप्लेन नहीं करना है इसको, ठीक है। राइट डाउन वश, प्रैक्टिस सेट 1.1 का तीन क्वेश्चंस हो गया, सीधा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन अ नंबर्स लाइन पॉइंट्स ए बी एंड सी आर सच दैट, क्वेश्चन नंबर 4 इज डिस्टेंस ऑफ ए सी इज 10, डिस्टेंस ऑफ सी बी इज 8, फाइंड द ए बी, फाइंड द ए बी बोल दिया यानी क्वेश्चन मार्क, कंसिडर ऑल द पॉसिबिलिटीज, क्या बोल रहा है, सारी पॉसिबिलिटीज के हिसाब से ए बी का वैल्यूज क्या होगा। तो सबसे पहले केस वन ले लेते हैं, इसमें दो केसेस लेंगे हम लोग। सबसे पहले केस वन लेंगे, कौन सा केस वन, सर ए बी सी ये पहले ही बोल दिया कि एक ही लाइन में है ना, तो यानी ऐसा हो सकता है कि सर ए सी और क्या रहेगा बी सी, ऐसा भी लेंथ हो सकता है ना, पहले ए रहेगा फिर सी रहेगा फिर बी रहेगा। तो ए टू सी कितना है हमारे पास, 10 है पहले, और बी टू सी कितना है हमारे पास, 8 है। तो अब मुझे ए बी निकालना है, तो अब कैसे निकालोगे ए बी, हाँ प्लस कर लेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, सी बी बोलो या बी सी बोलो दोनों चल सकता है। रीजन क्या दोगे, सिंस ए डैश सी डैश बी, ये रीजन दे दिया हमने, ठीक है। तो वैल्यूज पुट अप करो कितना आ जाएगा, 10 प्लस 8 कितना हो गया, 18। ये सबसे पहला केस मिल गया आपको, है ना। इसमें नेक्स्ट केस देखो जरा, देखो केस टू, केस टू, केस टू में अगर मैं बोलता हूं, डायग्राम बनाता हूं, एसी पूरा एसी है ना, 10 है राइट, और इधर मिडल में कहीं क्या है हमारे पास, कितना है मिडल में बोलो, कहीं भी इनसाइड, ये हो गया बीसी, ठीक है। तो ए टू सी कितना है हमारे पास, 10 है, ये 10 है, बी टू सी कितना है हमारे पास, 8 है। तो अब बताओ ए बी कितना होगा, तो बट ऑफ फेस दिख रहा है कि ये 10 ये माइनस 8, डायरेक्ट कर सकते हो राइट। लेकिन हम लोगों को मार्क्स के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा हम लोगों को पैटर्न लिखना पड़ेगा। क्या लिखूंगा मैं, डिस्टेंस ऑफ, अब लिखूंगा ए सी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, रीजन सिंस ए डैश बी डैश सी राइट। ए सी कितना है हमारे पास, 10 है, विच इज इक्वल टू ए बी, हमको फाइंड आउट करना है, प्लस बी सी का वैल्यू कितना है देख सकते हो आप, 8। तो ये आ जाएगा 10, ये आ गया माइनस 8 इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमको, 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 2। यस, चलो देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा था वो, सी पॉइंट्स एक्स वाई जेड आर कोलिनियर, ये हमको गिवन है, एक्स वाई जेड कोलिनियर है, यानी बट ऑब्वियस एक ही लाइन में है,
जस्ट इससे पहले भी क्वेश्चन में देखा हमने ने, तो एक्स वाई का वैल्यू कितना बोल रहा है 17, वाई जेड का कितना है 8 है, एक्स जेड सेम वही मेथड से मालूम करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, केस वन, सबसे पहले हम लोग केस वन निकाल लेते। केस वन क्या रहेगा सर, अगर मैं बोलता हूं ये पूरा लेंथ राइट, ये हो गया हमारे पास एक्स वाई और ये हो जाएगा वाई जेड, तो बट ऑफ वेस ये कितना वैल्यू हो गया 17 और ये हो गया 8 है ना, तो लेंथ ऑफ कितना हो जाएगा एक्स जेड इज नथिंग बट दी कितना हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड हो जाएगा। रीजन क्या लिखोगे, एक्स डैश वाई डैश जेड है ना, ये ना ये हमने रीजन दे दिया। इसका वैल्यूज लिख लेते कितना हो जाएगा 17, 17 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ऐड करो देखो 25 राइट, ये मिल गया हमको डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, यस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड मिल गया। वैसे केस टू ले लेते हम लोग, केस टू हो जाएगा हमारे पास सर, अब लेंथ कैसे लूंगा मैं दूसरे मेथड से, लेंथ लो पहले लेंथ क्या हो जाएगा एक्स जेड एक्स है ना, एक्स वाई पूरा लेंथ ले लो, तो ये तो 17 हो गया हमारे पास राइट ना, मिडल में कहीं हमारे पास कितना है जेड है कहीं भी राइट ना, तो ले लिया मैंने मान लो इधर जेड ले लिया, तो वाई जेड का वैल्यू कितना है हमारे पास 8 है, तो व्हाट अबाउट द वैल्यूज ऑफ एक्स जेड, अब एक्स जेड निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई अब आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ कितना हो जाएगा वाई जेड लिखो या जेड वाई लिखो, रीजन एक्स डैश जेड डैश वाई कोलिनियर है, यानी क्या तीनों पॉइंट्स आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि एक ही लाइन में एक्स पहला एक्स रहेगा फिर वाई रहेगा वाई फिर देन जेड रहेगा, नेसेसरी नहीं है, एक्स वाई जेड बोल दिया तो एक्स वाई जेड ऐसे भी हो सकता है राइट ना, तो अब वैल्यूज लिखो देखो एक्स वाई कितना है हमारे पास 17, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड मालूम करना है हमको और ये हो गया 8, 8 कितना हो जाएगा इधर आके माइनस हो जाएगा लेफ्ट साइड में जाके, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इज नथिंग बट द डिस्टेंस एक्स जेड इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 9 ना, यस चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वन, इसमें क्या करना है आपको स्केच द डायग्राम्स, रे डायग्राम जो भी है आपको डायग्राम्स ड्रॉ करना है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी बोल रहा है। इसमें पहले ही कंडीशन गिवन है आपको, हाँ देखो ए डैश बी डैश सी, यानी आपको डायग्राम कैसे आएगा इसी के हिसाब से आएगा, इसके मुताबिक आएगा कैसा ए डैश बी डैश सी राइट ना, इसको आगे पीछे नहीं कर सकते हो आप, इधर ऑलरेडी कंडीशन गिवन है कि पहले ए देन बी और देन लास्ट क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। इसमें देखो ए सी का लेंथ कितना दिया हुआ है हमको, ए सी इज 11, देन बी सी इज 6.5, फाइंड क्या करना है हमको ए बी हमको फाइंड आउट करना है, तो क्या कर सकते हो सेम जैसा हम लोग ने डिस्टेंस में दिया था वैसे अभी लेंथ के फॉर्म में है, कैसा लिखोगे लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ क्या रहेगा बी सी, रीजन क्या दोगे ए डैश बी डैश सी राइट, ए सी का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 11 हो गया राइट, देन ए बी क्वेश्चन मार्क है ये तो फाइंड आउट करना है, तो सेम एज इट इज उतार दूंगा मैं, ये हो गया ए बी एंड बी सी इज व्हाट हाउ मच 6.5 हो गया, 6.5 प्लस में लेफ्ट साइड आके क्या हो जाएगा माइनस में, यस 11 माइनस 6.5 इज लेंथ ऑफ ए बी, तो लेंथ ऑफ ए बी कितना हो जाएगा हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करो 11 माइनस 6.5, 11 माइनस 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 राइट ना, और 5 माइनस 0.5 कितना होता है 4.5, यस तो आंसर इज 4.5, समझा क्या सब्ट्रैक्शन, हाँ
यस। इसी में एक और क्वेश्चन देख लो, चलो थर्ड वाला भी देख लेते। इफ क्वेश्चन इज एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड गिवन है एंड द डिस्टेंस वॉज लेंथ ऑफ एक्स जेड इज नथिंग बट द 3√7 एंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई √7, फाइंड द वाई जेड। तो इसके क्वेश्चन के मुताबिक क्या है हमारे पास, x पहले है फिर y है फिर z है। तो अगर मैं इसको डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो सबसे पहले x ले लूंगा, फिर y लूंगा और फिर लास्ट में क्या लूंगा, मैं z लूंगा, ठीक है ना। लास्ट में क्या आएगा, z आ जाएगा। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, x डैश y डैश z मिल गया। अब हमारे पास लेंथ, सबसे पहला कौन सा लेंथ दिया हुआ है, एक्स जेड, यानी पूरा वाला लेंथ है ये देखो एक्स जेड। फिर उसके बाद एक्स वाई, एक्स वाई यानी ये वाला हो गया √7, ये वाला लेंथ हो गया, ये हमको क्वेश्चन मार्क है कौन सा, वाई जेड। तो इसको कैसे लिखोगे, तो ये कर देता हूं रफ में, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ एक्स जेड इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ एक्स वाई प्लस लेंथ ऑफ क्या लिखूंगा, वाई जेड, रीजन एक्स डैश वाई डैश जेड। हर बार रीजन देना जरूरी है ज्योमेट्री में ये सब चीजों का। तो एक्स जेड कितना हो जाएगा, 3√7, लेंथ ऑफ एक्स वाई कितना है √7 प्लस लेंथ ऑफ आपको फाइंड आउट करना है वाई जेड। देखो 1 times of √7 प्लस में है, लेफ्ट साइड जाके कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 3√7 माइनस 1√7 वी गेट द लेंथ ऑफ वाई जेड। तो लेंथ ऑफ वाई जेड कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो √7 √√ वाला ना याद करने का बहुत अच्छे से सब्ट्रैक्शन और एडिशन में स्टूडेंट्स को बहुत इश्यूज होता है। तो रूट ये हो गया, मान लो ये फ्रूट कंसीडर कर लिया आपने, ये भी फ्रूट हो गया, ये अगर एप्पल है तो ये भी एप्पल है, ये मैंगो है तो ये भी मैंगो है ना, सिंपल है। ये 3 mango है, ये -1 mango है, तो कितना मैंगो बचेगा आपके पास, 2 mangoes ना, 3 minus 1 यानी कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। तो ये हो जाएगा 2 mangoes, mangoes तो फिक्स है तुम्हारा रूट ना, है ना, ठीक है। देखो क्या बोल रहे थे वो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिगर इज फॉर्म बाय 3 non-collinear points, 3 non-collinear points। तो जनरली हमारे पास अगर 3 points क्या है, कोलिनियर है यानी एक ही लाइन में होते हैं, राइट। अब नॉन कोलिनियर बोल दिया, तो ऐसे 3 points कंसिडर करना है जो नॉन कोलिनियर हो। तो मैं बोल सकता हूं 3 non-collinear है तो ये क्या रहेगा, 2 collinear ले सकता हूं मैं। तो मैं एक डायग्राम सिंपल लेता हूं कि ये वाला और ये वाला मान लो एक ही लाइन में है, राइट। तीसरा नहीं लेना है ना मुझे, तो तीसरा पॉइंट क्या लेना है, नॉन कोलिनियर लेना है। तो एक पॉइंट इधर ले सकता हूं, कहीं भी ले सकता हूं। देखो तीनों पॉइंट को ज्वाइंट करो क्या मिलेगा आपको, यस सिंपल है ना। 2 points कोलिनियर हो सकते हैं, ये और ये कोलिनियर है, ये कोलिनियर है, ये कोलिनियर है, लेकिन तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है क्या, नहीं। तो ट्रायंगल नेम देख सकता हूं, ए बी सी, इधर नाम लिख लो ट्रायंगल, दैट्स इट, इतना ही आंसर। अच्छे देख लो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2, प्रैक्टिस सेट 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉइंट्स गिवन है, कौन कौन से पॉइंट्स गिवन है, ए बी सी डी ई, एंड उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है कौन से, ए का कोऑर्डिनेट -3 है, बी का कोऑर्डिनेट 5 है, सी का कोऑर्डिनेट 2, डी का -7 और ई का 9। ये सारे कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको, पॉइंट्स गिवन है और साथ साथ में कौन कौन सी चीजें दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट भी गिवन है। अब बोल रहा है कौन से ऐसे पेयर्स है, यानी 3 pairs दिए हुए, कौन से, डी ए बी, बी सी ए डी, बी ए डी, राइट ना। ऐसे कौन से पेयर्स है जो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा सर लेंथ सेम है क्या इनके, है ना। तो लेंथ कैसे निकालोगे, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस सबसे पहले हमको फर्स्ट वाला, जैसे मान लो हमको पहले निकालना है कौन सा, डी ई, तो डी निकालना है, तो डी का कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास,
तो डी का कोऑर्डिनेट देख सकते हो माइनस सेवन है और ई का कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास नाइन राइट ना. तो डिस्टेंस ऑफ डी ई कैसे निकालोगे, कौन सा ग्रेटर है, नाइन ग्रेटर है ना. लास्ट टाइम भी पढ़ा है हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में, कौन सा ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर राइट ना, है ना. सिंस रीजन लिखोगे नाइन इज ग्रेटर देन माइनस सेवन, तो ये कितना हो जाएगा नाइन माइनस, माइनस साइन है तो ब्रैकेट डालना पड़ेगा राइट. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये मिल जाएगा आपको नाइन प्लस सेवन, आंसर कितना आ जाएगा 16. आंसर मिल गया 16 राइट ना. अब डी मिल गया 16, तो वैसी सेम इसी तरीके से ए बी भी निकालेंगे. तो ए बी के लिए ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट है माइनस थ्री राइट, और बाद में बी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास फाइव राइट. तो डिस्टेंस ऑफ ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, फाइव इज ग्रेटर देन माइनस थ्री, फाइव ग्रेटर है ना माइनस थ्री से, जब फाइव ग्रेटर है तो ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर राइट. वही सेम मेथड, ग्रेटर नंबर कौन सा है हमारे पास फाइव है, माइनस माइनस थ्री इक्वल टू कितना हो गया फाइव, माइनस माइनस प्लस हो गया, यह आ गया थ्री, ये कितना हो गया हमारे पास देखो एट हो गया. सेम मिला क्या आपको, नहीं नहीं मिला. तो देयर फोर फर्स्ट वाले का आंसर लिख सकते हो सेगमेंट डी ई एंड सेगमेंट ए बी आर नॉट कॉन्ग्रेंट, सेम नहीं है ना राइट ना. तो कॉन्ग्रेंट नहीं है, जब कॉन्ग्रेंट नहीं है तो ये क्या रहेंगे, दैट इज डिस्टेंस भी इसके डिफरेंट हो गए देख सकते हो. अगर डिस्टेंस सेम रहता है तो बोल सकता था मैं ये क्या रहेंगे कॉन्ग्रेंट रहेंगे, समझेगा. चलो ये वाला जैसा करा हमने सेम यही मेथड से सेकंड वाला भी ट्राई करते. तो सबसे पहले बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा, एंड सी का कोऑर्डिनेट कितना है टू. अब कौन सा ग्रेटर है, बी ग्रेटर है देख सकते हो, फाइव इज ग्रेटर देन टू. तो डिस्टेंस ऑफ बी सी क्या हो जाएगा, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर. रीजन क्या दोगे आप लोग, हाँ रीजन क्या देख सकते हो, फाइव इज ग्रेटर देन टू, तो ये कितना हो जाएगा ग्रेटर नंबर फाइव माइनस स्मॉलर नंबर कितना है टू, और फाइव माइनस टू कितना हो जाएगा थ्री, तो ये आपको मिल गया आंसर थ्री. इसमें सेकेंड पेयर कौन सा है, एडी है, तो ए का कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं मैं, ए का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ए का कोऑर्डिनेट इज माइनस थ्री, एंड नेक्स्ट डी का कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास माइनस सेवन. अब कौन सा ग्रेटर है, ए ग्रेटर है देख सकते हो, माइनस में जब भी वैल्यूज, माइनस में जितनी वैल्यूज बड़ी होगी उतना स्मॉल वैल्यूज होती जाती है. तो जैसे माइनस सेवन है इधर और इधर माइनस थ्री है, नंबर ऐसा लग रहा है कि सेवन ग्रेटर है लेकिन नहीं, माइनस में सेवन ग्रेटर है ना, माइनस साइड है, माइनस साइड तो वैल्यूज क्या होती है कम होती जाती है राइट ना, कम होती जाती है. तो ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए डी क्या हो जाएगा, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर. रीजन माइनस थ्री इज ग्रेटर देन माइनस सेवन, ठीक है. अब ग्रेटर नंबर कौन सा है, माइनस थ्री माइनस ऑफ स्मॉलर नंबर क्या है माइनस सेवन, तो ये कितना हो जाएगा माइनस थ्री, माइनस माइनस तो प्लस होता है हमारे पास, तो ये हो गया सेवन, सेवन माइनस थ्री कितना होता है फोर, सेवन माइनस थ्री फोर होता है, तो ये आ गया फोर आ गया. अब देखो पहला आंसर हमारे पास क्या मिला, थ्री मिला, ये फोर मिला, सेम हुआ क्या, नहीं. जब दोनों वैल्यू सेम रहेगी तब कॉन्ग्रेंट रहेगा, तो इधर सेम नहीं हो गई, तो देयरफॉर बोल सकता हूं मैं सेगमेंट बी सी एंड सेगमेंट ए डी आर नॉट कॉन्ग्रेंट. कॉन्ग्रेंट में आपको डिस्टेंस क्या रहना चाहिए, सेम आनी चाहिए, ठीक है. यस, जैसा फर्स्ट देखे थे हमने सेकंड देख लिया, वैसी सेम मेथड से थर्ड वाला ट्राई कर सकते हैं. थर्ड वाले में देखो क्या रहेगा, थर्ड वाले में भी यही मेथड यूज करेंगे हम लोग.
देखो थर्ड वाले में क्या गिवन है हमारे पास, सेगमेंट बीई, तो बी का कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास 5, एंड ई का कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास 9। कौन सा अब ग्रेटर हो गया, 9 इज ग्रेटर देन 5, तो ई का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ग्रेटर हो गया बी से। तो अब डिस्टेंस ऑफ बीई, डिस्टेंस ऑफ बीई क्या होगा, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, रीजन 9 इज ग्रेटर देन 5 आ जाएगा, राइट right? तो ग्रेटर नंबर कौन सा है 9, माइनस स्मॉलर नंबर कितना है 5, देख सकते हो 4 आ गया है ना। तो नेक्स्ट देखो एडी है, एडी तो अभी अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये क्या आ जाएगा आर कॉन्ग्रेंट। तो ये क्या लिख सकता हूं मैं, सेगमेंट बीई एंड सेगमेंट एडी आर कॉन्ग्रेंट। देखो ये भी लिख लिया हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, यानी एम क्या है हमारे पास मिड पॉइंट है। तो मान लो अगर सेगमेंट ए बी ले लिया तो एम क्या हो जाएगा इसका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट यानी एग्जैक्टली मिडल में होगा, इसका मतलब सेगमेंट ए एम और एम बी ये दोनों क्या हो जाएगा सेम रहेगा, राइट ना, एम बी और ए एम दोनों क्या हो गया सेम हो गया। अब इसमें ए बी का वैल्यू दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 8, तो इसका मेथड बहुत आसान है, जब ये मिड पॉइंट बोल दिया है तो पूरे लेंथ का ये लेंथ और ये लेंथ कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, राइट, और आपके पास ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो ए एम का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं 1/2 टाइम्स ऑफ ए बी, यानी 1/2 टाइम्स ऑफ 8, यानी कितना हो जाएगा, कैंसिल कर दो 2 1 जा और ये 2 4 जा, आंसर क्या हो जाएगा 4। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन नंबर 4, राइट ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वैल्यूज दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ए बी इज 5 सेंटीमीटर, बीपी इज 2 सेंटीमीटर, एपी इज 3.4 सेंटीमीटर, लेंथ दिया हुआ है और लेंथ की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर दिया हुआ है, कंपैरिजन करने बोल रहा है। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन यानी क्या, कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, राइट ना। तो ये क्या करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको हम लोग लिख सकते हैं, सबसे ग्रेटर कौन सा है 5 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन दी 3.4 सेंटीमीटर, राइट ना, विच इज ग्रेटर देन दी 2 सेंटीमीटर, है ना। इससे तो आसानी से समझ में आ रहा है कौन सा स्मॉलर है, सबसे ग्रेटर फिर स्मॉलर देन आफ्टरवर्ड सबसे ज्यादा जो स्मॉलर है। तो 5 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, ए बी, 5 सेंटीमीटर इसकी वैल्यूज थी ना ए बी की, और 3.4 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू है ए पी, एंड ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर की वैल्यूज क्या हो जाएगा बी पी। देखो मिल गया आपको आंसर आसानी से, राइट ना। यस, चलिए देख लेते नेक्स्ट टॉपिक, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कन्वर्ट्स। कंडीशनल आपको कोई भी एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसको बोल देगा कि उसका कन्वर्ट्स करो, तो कैसे किया जाएगा, जैसे मान लो ए बी के कॉन्ग्रेंट है ना, क्या बोल रहा है कि ए अगर बी के कॉन्ग्रेंट है तो क्या हो जाएगा सी डी के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ऐसा वर्ड बोल रहा है, राइट ना, क्या बोल रहा है ए है ना, ए से बी का डिस्टेंस इक्वल है, तब जाके क्या हो जाएगा सी से डी का भी डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, ये बोल रहा है, राइट ना, है ना, सी से डी का, तो इसका कन्वर्स यानी क्या हो जाएगा, इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, अगर सी और डी का डिस्टेंस सेम हो जाएगा तो ए और बी का भी डिस्टेंस सेम होगा, उल्टा कर दो उसी को, राइट ना। मिरर इमेज होता है ना, मिरर, आपने मिरर में अपने आप को देखा रहेगा, आप यहां खड़े हो, मिरर में आपका एक इमेज दिख रहा है, राइट ना। अगर मैं मिरर के वे से सोचूं तो उसका कन्वर्स हो गया ना, कि भाई सर उधर भी एक ऑब्जेक्ट है और उसका मिरर इमेज क्या हूं मैं हूं, राइट ना, ये क्या हो जाएगा, दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट कन्वर्स। जैसे एग्जांपल ले लेते, इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल क्या है, अगर रोम्बस है ना, तो इसके डायगोनल्स क्या रहेंगे, देन इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, तो इसका कन्वर्स करना रहेगा। इसमें दो स्टेटमेंट है, इफ क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस देन डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, तो इसको कैसा दो फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, इफ और देन की हेल्प से, क्या किया हुआ है इफ और देन, तो इसको ये उल्टा कर दो, रिवर्स क्या कर सकते हो, इफ इफ
डायगनल है ना, डायगनल ऑफ ए क्या लिख सकता हूं, इफ डायगनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर देन, अब मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी ऐसे क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगनल क्या है, परपेंडिकुलर है, देन इट इज रोम्बस, तब ये क्या रहेगा, रोम्बस होगा, राइट ना। इसका सेकेंड एग्जाम्पल एक और ले सकते हो आप, इफ टू इज इवन देन थ्री इज ऑड, क्या बोल रहा है, इफ टू इज इवन थ्री इज ऑड, तो उसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, इफ टू इज इवन देन थ्री इज ऑड बोला था मैंने, तो इसको रिवर्स कर दो, इफ टू इज इवन देन थ्री इज ऑड, तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो उसको, इफ थ्री इज ऑड देन टू इज इवन, तो यानी इफ और देन का यूज करना है और हमको क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है कन्वर्स में, तो एक स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको कन्वर्स में कन्वर्ट करने बोलेगा आपको। जैसे मान लो 1.3 प्रैक्टिस सेट 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, इफ और देन का यूज करना है, तो आपको हर बार दो स्टेटमेंट रहेंगे, तो दो स्टेटमेंट पहचानने आना चाहिए आपको पहले, तो है ना। द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, तो अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट है यहां, और जिसके कॉन्ग्रुएंट है वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, पैरेललोग्राम, तो इफ और देन का यूज करना है, कैसे करोगे, है ना, द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, तो कैसे दिखाओगे, इफ इफ क्या बोल दोगे, इफ अपोजिट एंगल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज पैरेललोग्राम बोल सकता हूं मैं, है ना। अगर बोल सकता हूं अपोजिट एंगल क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ना, इधर लिखा हुआ नहीं है वर्ड्स क्वाड्रिलेटर, लेकिन इधर पैरेललोग्राम क्या है हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल है ना, तो अगर बोल सकता हूं मैं कि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तब जाके वो क्या हो जाएगा, देन इट इज पैरेललोग्राम। वैसे दूसरा कन्वर्ट करो, द डायगनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, है ना, तो मैं बोल सकता हूं क्या, इफ है ना, इफ इट इज अ रेक्टेंगल है ना, देन इट्स डायगनल आर कॉन्ग्रुएंट, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको और कौन से वे से लिख सकते थे आप, इफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, इसको ऐसा भी लिख सकते थे, इफ इट इज पैरेललोग्राम देन अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसा भी लिख सकते थे, ठीक है ना, यस।